गुड मॉर्निंग क्लास 8, माई सेल्फ रंजीत कुमार, आई वेलकम यू ऑल इन द ई लर्निंग प्रोग्राम ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादा। दिस इज द फिफ्थ वीडियो लेक्चर ऑफ द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड कर्ड। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड ईस्ट इज यूज इन द ब्रेड मेकिंग, पेस्ट्रीज, केक, इडली, डोसा, ढोकला। दीज थिंग्स आर प्रिपेयर्ड एट होम विद द हेल्प ऑफ ईस्ट पाउडर। इट इज कमर्शियली अवेलेबल ईस्ट पाउडर, मार्केट में मिल जाता है। सो टूडे वी आर गोइंग टू सी कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। मीन्स एसिटिक एसिड, विनेगर को हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, कॉमनली इसको विनेगर कहते हैं, बट साइंटिफिकली मतलब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। और जो एल्कोहल है ये एक्चुअली में इथेनॉल है, ठीक है। चलिए, इसमें भी क्या यूज होता है, ईस्ट। ईस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए ईस्ट का यूज करते हैं। ये सब जो प्रोसेस है इसको, ये सब बनाने के लिए हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं। ईस्ट जानते हैं, ये एक फंगस है। दिस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स फ्रॉम द ग्रेन्स, अनाज जैसे बार्ले, वीट, राइस, फ्रूट जूस, ये सब में जो शुगर होता है उस शुगर में इस वीट, इस ईस्ट को ग्रो करने देते हैं। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट व्हेन ग्रोज डिपेंडिंग अपॉन द शुगर, नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स ऑफ बार्ले, वीट, राइस और फ्रूट जूस, ये सब में जो होता है, जो शुगर होता है इस पे जब ये ग्रो करता है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं। शुगर भी ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू CO2 टू गिव एनर्जी, रेस्पिरेशन, जानते हैं ना। तो उसी प्रकार ये भी ग्रो करता है, मगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब C6H12O6 को तोड़ते हैं तो कंप्लीटली CO2 में तोड़ देते हैं हम, बट मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग इसको CO2 में तोड़ देते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो यहाँ पे तो हम लोग कंप्लीट डाइजेशन किए, मींस कंप्लीट ब्रेकडाउन किए, बट ईस्ट जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण ये इसको कंप्लीटली नहीं तोड़ के C2H5OH इसको इथेनॉल कहते हैं, इसको इथेनॉल में तोड़ता है। मतलब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट को CO2 में तोड़ते हैं, बट C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में ईस्ट क्या करेगा, इसको C2H5OH में तोड़ेगा। H5OH मतलब इथेनॉल में तोड़ेगा, मतलब पार्शियल ब्रेकडाउन। और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। सो व्हाट इज फर्मेंटेशन, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू अल्कोहल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो समझ में आया कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, फंगी यूज करते हैं। So, क्या लिखेंगे, ईस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, बियर, वाइन, ETC ऑन लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे फैक्ट्रीज में जो होता है। ईस्ट इज ग्रोन मतलब डेवलप, मतलब उसको ग्रो करवाना, इज ग्रोन ऑन
sugars in plant products that are rich in natural sugar, such as कौन सा पांच plant products, grains like barley, wheat, rice and fruit juice, yeast grow in absence of oxygen and convert sugar into alcohol. This process is called fermentation. तो इसका एक बार definition लिख देते हैं. Fermentation, the process of conversion of sugar into alcohol in absence of oxygen by yeast is called fermentation. देखिए यहां पे ईस्ट लिख दिए हैं, सिर्फ आपके लिए लिख दिए हैं, बट ये कहीं कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है. सो अगर इसको हम सिंपली लिखना चाहे तो सुगर क्या है इसमें, ग्लूकोज, जानते हैं ग्लूकोज C6H12O6 ब्रेक डाउन इंटू एल्कोहल, क्या कहते हैं इसको, इथेनॉल. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स, इसको लिख लीजिएगा आप. चलिए थोड़ा सा इसमें इंक भर लेते हैं. सो नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये भी कॉमर्शियल यूज में है. एंटीबायोटिक्स क्या है, इट इज अ मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी विच किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ disease causing microorganism is called antibiotics. Antibiotics क्या है, एक प्रकार का medicine है जो produce किया जाता है bacteria and fungi के द्वारा ही, और इसका use किया जाता है for stopping or killing the disease causing microorganism. इसको antibiotics कहते हैं. आप नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आपको मेडिसिन देते हैं डॉक्टर. आज के डेट में कॉमर्शियली यूज जो नॉर्मली हम लोग जो घर में यूज करते हैं बहुत सारे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब एग्जाम्पल है. दीज आर द नेम ऑफ द एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाई बैक्टीरिया और फंगी. एक छोटा सा बात बता दे रहे हैं आपको हम, ये तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो तो आप लिखिएगा. अब आपके बुक में एक ब्रैकेट में बॉक्स में करके एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम समझा देते हैं
और उसको आप उसी इन बुक से समझ के समझ लीजिएगा। इन 1929 अ साइंटिस्ट हिज नेम वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। साइंटिस्ट का क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम्ड, उसका नेम था स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया वो क्या कर रहे थे? एक डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम था नेम्ड स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। जब ये लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक गोल सा पेट्री डिश होता है, शीशा का बना हुआ, आप इसको ऐसा समझ लीजिए, शीशा का बना हुआ छोटा प्लेट समझ लीजिए, मगर प्लेट भी ऐसा, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये होता है ना आपका टिफिन बॉक्स होता है, टिफिन बॉक्स का जो ढक्कन होता है उसको उल्टा कीजिए तो प्लेट जैसा बन जाता है, छोटा सा साइड से गोल होना चाहिए, तो उसी शेप का समझ लीजिए ग्लास का बना हुआ होता है। और उसमें क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट से बना हुआ एक मीडियम होता है उसको इसमें डाल देते हैं, वो पूरा का पूरा फैल जाता है इसमें। तो क्या होता है कि एक छोटा सा प्लेट है, इस प्रकार से गोल सा प्लेट है, इसमें थोड़ा सा न्यूट्रिएंट डाला हुआ है, उस न्यूट्रिएंट में इस बैक्टीरिया को ग्रो करवा दिए। तो अभी क्या हुआ कि इसमें पूरा बैक्टीरिया, इसमें ऐसे 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 पूरा बैक्टीरिया, ऐसे 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 पूरा बैक्टीरिया फैला हुआ था, ठीक है। एक दिन सडनली मींस वन डे सडनली ही फाउंड स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड। मोल्ड क्या है? एक प्रकार का फंगस है, तो इसका स्पोर्स आप थोड़ा सा और सीनियर होइएगा तो समझिएगा, नहीं तो जूनियर में क्लास 5-6 में भी आपको पढ़े होंगे या 7 में पढ़े होंगे, स्पोर फॉर्मेशन। कोई कोई जैसे फंगी होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के मदद से रिप्रोड्यूस करता है, क्लास 5 में ये पढ़ा हुआ है। तो स्पोर जो है वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, बाहर से वो कवर्ड होता है। सो सडनली फाउंड स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड्स, इसका नाम था नेम्ड पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। तो क्या देखे वो कि यहां पे थोड़ा सा, यहां पे ये क्या था, ये था स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, और ये क्या था, ये था आपका पेनिसिलियम नोटेटम फंगी या मोल्ड कह लीजिए, मोल्ड भी एक प्रकार का फंगी होता है। तो वो क्या देखे कि सब जगह तो बैक्टीरिया था बट इसके चारों तरफ का एरिया जो था वो क्लियर हो गया था, साफ हो गया था, मतलब इस पेनिसिलियम नोटेटम के चारों तरफ, इस पेनिसिलियम नोटेटम, इस पूरे पेट्री डिश में यहां 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 सब जगह बैक्टीरिया था बट इस फोर नोटेटम के चारों तरफ कोई बैक्टीरिया नहीं था, या तो वो मर गए थे या उनका ग्रोथ रुक गया था। तो इसको जब देखे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग
तो इस पेनिसिलियम नोटेटम को यूज करके सबसे पहला एंटीबायोटिक्स बनाए जिसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। सो इसके नाम पे उसका नाम पड़ा पेनिसिलिन। बाकी बुक में देखिएगा आपको यही चीज लिखा हुआ है। चलिए तो फिर उसके बाद हम इसको लिख देते हैं, फिर उसके बाद आप इसको लिखिएगा। ओके सो व्हाट इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में बता दिए हैं कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी। कैसे प्रोड्यूस होता है ये आपको नहीं जानना है, बस कुछ बातें जाननी है कि एंटीबायोटिक्स क्या है। द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी ईटीसी विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ disease causing microorganisms are called antibiotics। मतलब ये जो medicine है जो disease causing microorganism को growth को रोकता है उसको हम लोग antibiotics कहते हैं। एक important बात, antibiotics are not effective against virus। virus के against ये effective नहीं होता है, ठीक है। चलिए some example, streptomycin, tetracycline, erythromycin are some commonly known antibiotics made from the bacteria and fungi। चलिए कुछ बातें हैं जिसको कहते हैं precaution। प्रिकॉशन क्या करना है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन फॉर टेकिंग एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं उस एंटीबायोटिक्स को खाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ परहेज है। क्या, इट शुड ऑलवेज बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। जब तक डॉक्टर ना बोले एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, अपने मन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन हैं। जैसे हम लोग जैसे प्रिकॉशन की बात आगे करेंगे तो हम आपको समझ में आता चला जाएगा। पहली बात, इट शुड बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। Second point, if doctor told you to take the antibiotics, for example, 15 days, so you should complete the course, because when you go to the doctor, he will first check the amount of microorganism present in your body. जब आप जाते हैं तो ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि आपके बॉडी में कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अनुसार डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और उस मेडिसिन उस एंटीबायोटिक का डोज फिक्स करते हैं। आपको 5 दिन खाना है, 15 दिन खाना है कि 10 दिन खाना है। तो आपको अगर मान लीजिए डॉक्टर बोल रहे हैं 15 दिन खाने के लिए, तो आपको 15 दिन खाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि डॉक्टर बोले 15 दिन खाने के लिए, हम 10 दिन खाए, मेरे को तबीयत ठीक लगने लगा, हम दवाई खाना छोड़ दिए। ये गलत बात है, क्योंकि देखिए आपके बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए 1,00,000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप जब दवाई खाना शुरू किए तो 10वां दिन पहुंचते पहुंचते सारा का सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमजोर हो गया है, अब वो मरने के कगार पे है। मान लीजिए 1,00,000 से स्टार्ट किए थे, अब आपके बॉडी में 10 दिन तक आप सही सही दवाई खाए तो आपके बॉडी में मान लीजिए कि 1,00,000 था तो 10,000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा, बाकी सारे मर गए और ये 10,000 एकदम कमजोर हो गया है। अगर मान लीजिए 10 दिन के बाद आप मेडिसिन खाना छोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये जो 10,000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कमजोर था, अब उसको फिर से मौका मिल जाएगा ग्रो करने का, और फिर से वो आपके बॉडी में ग्रो करेगा, और इस बार वो ज्यादा ताकत से ग्रो करेगा, और एक समय आएगा आप जो एंटीबायोटिक्स खाए थे वो एंटीबायोटिक्स इनइफेक्टिव हो जाएगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में,
तो एंटीबायोटिक्स जो है वो काम नहीं करेगा, इसीलिए क्योंकि आप 10 दिन खा के माइक्रोऑर्गेनिज्म को उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने का मौका दे दिए, आप उसको पूरा मारे नहीं, उसको जिंदा छोड़ दिए, और जिंदा छोड़ दिए तो वो क्या हो गया, और ज्यादा रेजिस्टेंट हो गया उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में, ठीक है। दूसरा बात, तीसरा बात, इट शुड नॉट बी टेकन इन द रॉन्ग डोज, रॉन्ग डोज में नहीं खाना चाहिए, जितना जरूरत है उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इट शुड नॉट बी टेकन व्हेन नॉट नीडेड, कभी किसी को हल्का सा भी कुछ हुआ तो सीधा एंटीबायोटिक्स खा लेते, नहीं नहीं, अपने बॉडी को भी थोड़ा बहुत इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होने दीजिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर आप अननेसेसरली बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया भी होंगे, उस बैक्टीरिया को ये एंटीबायोटिक्स मार देगा, सो इट विल किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन योर बॉडी। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, यू शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। नॉर्मल सर्दी खांसी होता है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, कोई फायदा नहीं है, एंटीबायोटिक्स आर नॉट अफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, सो यू आर पॉइंटलेसली यूजिंग एंटीबायोटिक्स, सो डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू, बिकॉज दीज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, बिकॉज वी नो कॉमन कोल्ड एंड फ्लू हैपन ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, so that's why you should follow these precautions that need to be followed before taking antibiotics, antibiotics खाते समय इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम इसको लिख देते हैं, फिर उसको आप लिख लीजिएगा। so देखिए, antibiotics should be taken only on advice of qualified doctor, क्वालिफाइड डॉक्टर मतलब कोई झोला छाप के चक्कर में नहीं पड़ जाइएगा, ठीक है। वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा जितना दिन बोला गया है उतना दिन खाना है। वी मे फॉल इल अगेन इफ कोर्स इज नॉट कंप्लीटेड, इफ कोर्स नॉट कंप्लीटेड देन हम लोग दोबारा भी बीमार पड़ सकते हैं। It should not be taken when not needed or in wrong dose. जब जरूरत नहीं हो उस समय नहीं खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमको भी थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो हम अभी से अब दवाई खाए जा रहे हैं। भगवान ना करे आगे जाकर लाइफ में कभी हमको एंटीबायोटिक्स का जरूरत सही में पड़ गया किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी भी कारण से, तो उस समय ये एंटीबायोटिक मेरे बॉडी पे कोई इफेक्टिव नहीं होगा। So it make the antibiotics less effective when we might need in future. ठीक है, एंटीबायोटिक्स ज्यादा यूज करने से ये हमारे बॉडी में इनइफेक्टिव हो सकता है। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मतलब जरूरत नहीं, मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है इसको भी ये मार सकता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, वायरसेस के अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं है। सो इट शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू, जब सर्दी खांसी हो उस समय हमको ये नहीं लेना चाहिए, एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इफेक्टिव है ही नहीं। एंटीबायोटिक्स है वो किसी लिविंग सेल को मारता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारता है। वायरस जब जिंदा ही नहीं है तो उसको मारेंगे क्या हम, सो उसको मार ही नहीं सकते हैं, सो इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस। चलो, समझ में आया होगा, देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वैक्सीन देखेंगे, ओके।